हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये एक शॉर्ट रीडिंग है। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के आपके लिए स्टैंड लेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मैसेज करके बोला है कि मैम, क्या हमारे पर्सन हमारे लिए स्टैंड लेंगे, इस पर एक कलेक्टिव रीडिंग कर दीजिए। तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको एक्यूरेट गाइडेंस दे पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स के दिल में ये क्वेश्चन है कि क्या उनके पर्सन उनके लिए स्टैंड ले पाएंगे, शादी का कमिटमेंट मिलेगा, क्या वो अपनी फैमिली के सामने बता पाएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ गाइड करें। विल टेक ओनली 3 कार्ड्स बिकॉज ये एक शॉर्ट रीडिंग है। सो हम 3 कार्ड्स लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद हम 2 कार्ड्स लेंगे फॉर इमीडिएट फ्यूचर। जब भी ये रीडिंग जिसके भी सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, इमीडिएट फ्यूचर आपको रीडिंग देखने के बाद विद इन 7 to 15 डेज रेजोनेट कर सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या आपके पर्सन जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, क्या उनके पर्सन स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, डबल 5 की एनर्जी है विद पेज एंड पेज। यहाँ पर मेजर चेंज है, मेजर चेंज। आने वाला समय आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। कौन सा चेंज होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। 5 की एनर्जी आई है, क्या ये चेंज मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा, क्या स्टैंड लेंगे, रीयूनियन होगा। टेम्परेंस, सिचुएशन बैलेंस होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, ये बैलेंस की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, जो भी सिचुएशन, अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो कि नहीं मान रही है, चाहे आपके फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, या उनका करियर हो, या उनकी हेल्थ हो, जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस होगी। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंसिंग को दिखा रही है, प्लस आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन इनके दिमाग में है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी, रिस्पेक्ट है, केयर करते हैं आपकी, और आपने जो इनको नर्चर किया है, आपका जो ट्रू लव है, वो इनको इतनी शक्ति देगा कि वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आए। जो भी आप दोनों के बीच में ट्रिगर कर रहा है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिनकी भी वजह से आप लोगों की ये हालत है, या तो आप बहुत डिस्टर्ब हैं, या आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब हैं, या तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अलोन फील हो रहा है, आप एक कोने में अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपकी तरफ जेस्चर भी करेंगे, ये एफर्ट भी डालेंगे, और साथ ही साथ ये बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। तो ओवर एंड ऑल आपकी जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब मैं देखूँगी 2 कार्ड इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा एंजल्स। किंग, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विद बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 1 मोर कार्ड 6 ऑफ कप्स। मेमोरीज ऑफ लव, 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, एंड नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सेपरेशन है तो रिटर्न आ रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है बिकॉज़ यहाँ पे हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, ये आपके साथ मैरिज कर सकते हैं या कर सकती हैं, फैमिली को मना सकते हैं, सिचुएशन आपके फेवर में चेंज होगी। तो जो चेंज आने वाला है वो कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंज होगा, और इमीडिएट फ्यूचर में ये रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 डेज, कुछ लोगों को विद इन 6 डेज रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी एक शॉर्ट रीडिंग, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, और लेंगे तो कब तक लेंगे, तो ये आपके लिए है रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय.